हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम और आप जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 18027 खड़गपुर आसनसोल मेमू पैसेंजर ट्रेन में, जो कि वीक में सातों दिन चलती है। सो गाइस, अगर मैं आपको इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में बता दूं, तो यह ट्रेन सुबह के 6:20 में खड़गपुर से निकलती है और सेम डे सुबह के 11:20 में आसनसोल पहुंचाती है। और हाँ भाई, एक बात और याद रखिएगा, इस ट्रेन का फेयर डबल हो गया है क्योंकि ये ट्रेन अभी एक्सप्रेस बन के चल रही है। गाइस, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि अपनी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, और अभी एक घंटा का पूरा समय है यहाँ पे, क्योंकि अभी 5 बज रहा है और अपनी ट्रेन है 6:20 में, तो एक घंटा से भी ज़्यादा समय है। और ये ट्रेन का किराया जस्ट डबल हो गया है। अगर आपको ऑनलाइन का कहीं दिखाई दे रहा होगा इस ट्रेन का फेयर, तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि अभी एक्सप्रेस बन के चल रही है ट्रेन, तो इसका फेयर जस्ट डबल आपको देना पड़ सकता है। और मैं काफ़ी सुबह आ चुका हूँ स्टेशन पे, कल रात को ही खड़गपुर आए थे हावड़ा से लोकल ट्रेन पकड़ के 12 बजे, और तब से अभी तक ऐसे ही है और सारा रात जगे हुए हैं, एक भी थोड़ा सा भी नींद नहीं लिए हैं और ऐसे ही जगे हुए हैं। आँख तो देख सकते हो आप, पूरा लाल हो गया होगा। तो जब आती है ट्रेन तब आपको दिखाते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन लगेगी। तो गाइस, अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आके लग चुकी है, आप देख सकते हैं। और आज हम लोग इस ट्रेन से 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, और अपनी ट्रेन का जो खड़गपुर से लेके आसनसोल के बीच में टोटल हॉल्ट होने वाला है वो है आपका 29। ट्रेन अपनी खड़गपुर जंक्शन से रवाना हो चुकी है, खड़गपुर स्टेशन से रवाना हो चुकी है, और आप सबसे सीधे मुलाकात होगी गोकुलपुर में। एक स्टेशन स्किप करेंगे, इसके बाद गोकुलपुर आएगा।
मेदिनीपुर को ओपन किया गया था 1903 में, और मेदिनीपुर में 89 ट्रेन का हॉल्ट है, 13 ट्रेन ऑरिजिनेट और 60 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और मेदिनीपुर स्टेशन आपका पड़ता है मेदिनीपुर शहर में, और इस स्टेशन का मतलब आपका जो डिवीजन है वो आपका खड़गपुर पड़ता है। और भाई आँख में कुछ चला गया, पता नहीं क्या। और आज गाइस अपनी ट्रेन का 29 हॉल्ट है, जो कि बहुत लंबा मतलब समझ लीजिए लिस्ट है, और लगभग हम लोग 5 से 5.5 घंटा तक इस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं।
अपनी अभी सोनपुर जंक्शन से रवाना हो चुकी है और वो लड़का बीच में आ गया ना, से मेरा पूरा एकदम से फोकस ही डिस्टर्ब कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, बताया करने का रहता है। आप सब देख सकते हैं कि सोनपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन रवाना हो रही है और ये ट्रेन अभी थोड़ा ना 10 से 15 मिनट डिले भी चल रही है। आई थिंक मेरे ख्याल से 15 मिनट से कम डिले नहीं होगी यहाँ पर। झारखंड से लगता है और झारखंड तो
1887 में इसे ओपन किया था और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1904 में। आगरा में आपका 3 प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और यहाँ पे 103 ट्रेन का हॉल्ट है, अभी 23 ट्रेन ऑर्डिनेट और पैसेंजर ट्रेन यहाँ से टर्मिनेटर मिल जाता है। रुकी नहीं 15 मिनट क्योंकि लेट आई थी पहले ही।
सो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन 210 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आसनसोल पहुंच चुकी है। और ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा आप सबसे, मैं यही बात बताना चाहता हूं कि इसका जो फेयर है खड़गपुर से आसनसोल का वो है आपका 80 रुपया। और मैं काफ़ी थक चुका हूं, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बस यही बोल के यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सी यू सून, खुश रहे, मस्त रहे और अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।